गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन एक टाइम पे ये बहुत इसेंशियल लाइफ स्किल होता था कि अगर आपको रहना था तो गाय से दूध कैसे निकालना है। मेरे को तो नहीं आता, लेकिन आपको याद है हमारे टाइम में इंडिया में एक बहुत अच्छे वन ऑफ इंडियाज बेस्ट रनर्स मिल्खा सिंह होते थे। हमारे पास उनकी टक्कर के लिए कोई है और वो है मिस्टर मिल्खा सिंह। आइए इनसे मिलिए। हेलो हेलो। तो गाय का दूध निकालना कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा प्यार से, थोड़ी जेंटली, ताकि जानवर डरे ना। और ये देखिए, जैसे कि मेरे दोस्त ने आपको दिखा दिया कि ज्यादा पास आने की कोशिश मत करा कीजिए। तो ऐसा है कि ये जो गाय है ये है गीर गांव, ये गीर से आती है। इनका मिल्क जो है बहुत इजीली अब्सॉर्ब होता है। अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट भी हो तो ये वाला दूध उनके पीने के लिए ज़्यादा आसान रहता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, हाई प्रोटीन, ईजिली अब्सॉर्ब, और यह है बहुत बढ़िया दूध। तो यहाँ पर जो गायें हैं वो देती हैं 3 से लेकर 18 लीटर के बीच में दूध एक दिन में, और इनको 2 बारी इनका दूध निकाला जाता है, एक बार सुबह एक बार शाम को। तो करीब 3 लीटर 3.5-4 लीटर एवरेज पे 7 लीटर दूध 2 बारी दिन में ये गाय देती है, मतलब टोटल 7, 3.5-4 सुबह और 3.5-4 शाम को। सर आप बातें करते रहेंगे कि थोड़ा काम भी करेंगे, जैसे जो दूध वूध निकालना है। दूध निकाल रहा हूँ मैं। तो ये जो वेयर वी आर सिटिंग, इस जगह का नाम है मिल्क एंड मेडोज। इट वॉज स्टार्टेड एज अ पैशन प्रोजेक्ट। एक हमारे दोस्त हैं, उनको बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया का। उन्होंने पहले 5-6 गाय ली थी, उनकी फैमिली ने उनको बहुत मारा, बोला ये क्या कर रहे हो आप। लेकिन उनकी फैमिली ने भी जब ये दूध पीना शुरू किया, A2 दूध, उन्होंने बोला यार ये तो बहुत टेस्टी है। एंड फ्रॉम देयर अब इनके पास 100 गाय हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस रियली हेल्दी A2 मिल्क एंड घी, दे हैव अ वेबसाइट एंड एन ऐप मिल्क एंड मेडोज। उस पर आप जाइए, आप ऑर्डर करिए, आपको ये हेल्दी दूध मिलेगा। एंड ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप 1-2 दिन ना ऑर्डर करें तो आपको वो दूध मिलेगा जो ये भाई साहब नहीं निकाल पाएंगे। जो काम करते हैं वो दूध निकलता है, गारंटी। दूध निकालना बहुत अच्छा काम है, बहुत रिलैक्सिंग काम है। यहाँ पर 5 मिनट बैठ के दूध निकालने से मेरी आधी टेंशन दूर हो गई है। आधी टेंशन दूर हो जाती है अगर इस गाय के बीच में एक सांड ना बैठा होता मेरे साथ। सांड भाई साहब आगे चले, कुछ पनीर वनीर खाने को मिलेगा। हाँ, गुड आइडिया। दूध से मिलता है घी, पनीर, बहुत सारा खाना। बात करिए। अच्छा, थैंक यू उषा जी, बहुत मेहरबानी आपकी भी। थैंक यू, आपने मेरे बाल नहीं खाए, बहुत अच्छा किया।